एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो टाइटल है अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। तो ये मतलब सभी ने सुना हुआ है, ये जो कृष्ण जी का जो ये भजन है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की सबको शुभकामनाएं। और शुरू करते हैं, बड़ा ही अच्छा भजन है तो एक बार शुरू करते हैं। ठीक है, गरीबी से बुरा हाल, धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ए द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो के मिलने सखा पद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हाँ, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया। वीडियो कंप्लीट हो गई है, मतलब भजन जो वो बड़ा ही सुकून देने वाला और बड़ा ही अच्छा लगता है, मतलब सुनते रहो, इतनी कितना पुराना सॉन्ग है ना, मतलब कितना पुराना भजन है ये, और जब सुनते हैं तो मतलब बड़ी ठंडक सी पड़ती है सुनने के बाद, बड़ा सुकून सा संतोष सा फील होता है सुनने के बाद में। और जिसमें इसमें कृष्ण जी के बारे में बताया गया है, सुदामा जी के बारे में बताया गया है कि जब वो छोटे से थे, बचपन में थे तो हम कृष्ण लीला देखते थे छोटे से, जब पहली कृष्ण लीला थी तो उस देखते थे, हम जरूर देखते थे उसको, सारी देखी हुई है। तो उसमें क्या है कि जब वो चने होते हैं वो, तो उनके हिस्से के वो सुदामा जी खा जाते हैं, तो फिर क्या है इससे, यही तो क्या है कि वो गरीब हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे का हिस्सा खा लिया था, कृष्ण जी का हिस्सा खा लिया था उन्होंने, काफ़ी गरीब हो गए थे वो। फिर जब इतने ज़्यादा उनकी गरीब हालात हो गए, जब वो उनकी पत्नी कहती है कि तुम अपने आपके तो अपने आप के तो जो मित्र हैं वो तो इतने ज़्यादा सक्षम हैं, इतने मतलब उनके पास सब कुछ है, तो आप एक बार उनसे हेल्प मांगे, तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्वाभिमान वाली बात आ जाती है कि भाई अब मानो कोई गरीब मित्र है और किसी अमीर के साथ जाए, तो उसको ये भी डर लगा रहता है कहीं वो भगा ना दे, कहीं वो बेइज्जती ना कर दे, है ना, थोड़ा सा ये भी रहता है। दूसरा कुछ स्वाभिमान की भी बात होती है, लेकिन क्या था कि वो जो है अपना कृष्ण जी के पास जाते हैं अपनी वाइफ के कहने पर, वो क्या है उनके लिए वो चावल रख देती है पोटली में बांध के कि अपने मित्र को वही दे देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब हालात थे, उनके पास कुछ था भी नहीं,
तो फिर वो जो है चावल दे देते हैं। जब वो उनको लेने के लिए पहुँच जब वो जाते हैं वहाँ पे, तो अब उन्होंने फटे हाल था उनका बिल्कुल। अब वो जब वो द्वारपालों से कहते हैं कि भाई उनके मित्र आए हैं, तो वो एक बार तो झड़का देते हैं कि ऐसे मतलब वो तो राजा हैं, तुम क्या हो, मतलब तुम्हारे से थोड़ी ना मित्रता होगी। लेकिन कृष्ण जी को पता चलता है, वो देख लेते हैं जैसे भी हैं, तो फिर वो भागते हुए आते हैं और उनको गले लगा लेते हैं, फिर उनके जो है पैरों को धोते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा। फिर वो जो है चने वो चावल की जो पोटली होती है वो फिर उसे जो है वो खा लेते हैं। तो बड़ा ही एक बड़ी अच्छी स्टोरी है उनके बीच की, और इससे ये शिक्षा मिलती है कि एक तो हमें किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अगर हम किसी का हिस्सा खाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका हमें फल मिलता है। ठीक है, जिस तरीके से सुदामा ने अपनी गरीब भरी लाइफ बिताई थी। दूसरा ये था कि आप इतने अमीर हो जाने पर भी आप अपने जो गरीब मित्र हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि मित्र मित्र ही होते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। क्या होता है कि आज के टाइम में अगर आप टाइम ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, आप सक्सेस हो जाते हैं, तो जो आपके जो मित्र थे बचपन के, आप उनसे बात करना बंद कर देते हैं। और इसलिए सनातन धर्म पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि मतलब इस तरीके की उन्होंने हमें शिक्षा दी कृष्ण जी ने, कि आपको इस तरीके से चलना है सोसाइटी में, कभी भी इस तरीके से वो नहीं करना है अपने मित्र के साथ में। तो ये कहीं ना कहीं जब ये भगवान अवतार लेते हैं तो ये समाज को बहुत कुछ सिखा के जाते हैं कि आपको इस तरीके से चलना है। वो उसी एक आम इंसान की तरह वो चलते हैं, वो ईश्वर हैं, वो जादू भी दिखा सकते हैं, सब कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन वो नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनको एक समाज को एक मैसेज देना होता है, जिससे कि ये मैसेज वो लें और अपनी लाइफ को उसी पर, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। जैसे लोग आप कह देते हैं कि जी राम जी को तो पता ही नहीं था कि वो भगवान हैं, नहीं मतलब क्या बोलते हैं वो इस तरीके से, जब वो इतने पावरफुल थे तो उनका अवतार क्यों हुआ था, वो क्यों आए थे, एक साधारण इंसान के रूप में आए थे, ताकि वो समाज को एक मर्यादा वो सिखा सकें कि किस तरीके से आपको मर्यादा में रहना है, किस तरीके से आपको अपने माँ बाप का कहना मानना है। वो एक समाज को शिक्षित करने के लिए, जिससे कि आपके सभ्य समाज का निर्माण हो सके, मारकाट ना हो, जैसे बहुत से उनमें होती है मारकाट करते हैं, उनके पूर्व जब मारकाट होती है तो वो जो आने वाली जो पीढ़ी होती है ना वो भी मारकाट करती है। तो इस तरीके से नहीं, सभ्य समाज का निर्माण करते हैं सब, तो तभी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। तो इसी तरीके से श्री कृष्ण जी हैं, उनका भी एक अपना रोल है। ठीक है, वो काफ़ी मतलब काफ़ी सारी स्टोरीज हैं श्री कृष्ण जी के बारे में, और काफ़ी मिथ भी फैला रखे हैं लोगों ने कि जी श्री कृष्ण जैसे अदर रिलीजन के हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ नीचा दिखाना होता है। तो वो बोलते हैं कि जी आप उनको मानते हैं जो कि उन्होंने 16,000 रानियों के साथ में शादी की थी, लेडीज़ के साथ में शादी की थी, तो आप कैसे उनको ईश्वर मान सकते हैं। तो जो उनकी स्टोरी है वो ये है कि जब नरकासुर जब उनको बंदी बनाकर उनको जो ले गया था, वो लेडीज़ को जब सॉरी जो औरतें थी लड़कियाँ थी जो भी थी, तो फिर क्या है कि अब जब कृष्ण जी ने उनको छुड़वाया उनके चंगुल से, तो फिर वो कहती हैं कि आपने हमें आज़ाद करवाया वो तो ठीक है, लेकिन क्या है कि अब हम जी नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे फैमिली वाले हैं, वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर वो जब वो मरने के लिए वो जब जाती हैं, वो कहती हैं कि हम अपने प्राण त्याग देंगे, क्योंकि हमारे पास में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि समाज भी ऐसा ही है हमारा कि अगर जो विक्टिम होता है उसी के पीछे पड़ जाते हैं, जिसने गलती की है उसको उससे कोई कुछ नहीं बोलता है, तो समाज की कहीं ना कहीं कमी है। ठीक है, तो वो उसी वक्त भी ऐसे ही कुछ समाज था, तो तब वो कृष्ण जी उनसे कहते हैं कि फिर वो उनको एक पत्नी के रूप में उनको दर्जा देते हैं। वो उनकी अपनी जो पत्नी होती है वो ही उनके लिए सब वो रहती है, लेकिन जिससे कि वो एक अपनी एक अच्छी लाइफ जी सके। ये नहीं था कि वो उनके साथ में रहे थे या वो जैसे भी था, तो वो जो है उनको अपना मानती थी और उनकी पूजा वूजा करती थी और अपनी लाइफ को, जिससे कि समाज उनको एक गलत दृष्टि से ना देखे। तो इस तरीके से ये स्टोरी है जो एक मिथ क्रिएट किया गया, जिससे क्योंकि जिनको बदनाम करना होता है ना वो किसी भी तरीके से आपको बदनाम करेंगे। तो क्या है कि हमारे पास में आंसर्स होने बहुत ज़रूरी हैं काउंटर करने के लिए। तो श्री कृष्ण की यहाँ पे ये कहानी, और आप बताएगा आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन, और फिर से हैप्पी जन्माष्टमी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा रिएक्शन पसंद आया हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।